हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का स्पेशल टेन्योर फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में। और ये जो स्कीम है ये नॉन कॉलेबल स्कीम है, मतलब इमरजेंसी के वक्त इस स्कीम से आप लोग पैसा निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है बिफोर अप्लाइंग दिस स्कीम। और ये स्कीम जो है ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं क्या है वो स्कीम और क्या इंटरेस्ट रेट करेंटली प्रोवाइड कर रहा है नॉन कॉलेबल स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम में बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कस्टमर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने न्यू स्पेशल नॉन कॉलेबल एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिक्स डिपॉजिट नॉन कॉलेबल, मतलब इमरजेंसी के वक्त आप लोग पैसा निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। और ये फिक्स हो जाता है टिल मैच्योरिटी तक, ठीक है। और ये जो है आप लोग देख सकते हो एनआरओ एनआरई अकाउंट के लिए एप्लीकेबल है। मिनिमम डिपॉजिट जो होना चाहिए 15.01 लाख से स्टार्ट हो जा रहा है और बिलो ₹2 करोड़ के लिए एप्लीकेबल है। उससे कम आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है बिफोर डूइंग एफडी इन बैंक ऑफ बड़ौदा नॉन कॉलेबल एफडी एफडी स्कीम, और जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 12 मई 2023 से इफेक्टिव है। तो चलिए अभी जान लेते हैं क्या है एफडी रेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्कीम का नाम है बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम, 399 डेज के लिए एप्लीकेबल है ये स्कीम। और इसमें जो है नॉर्मल सिटीजन को 7.40 और सीनियर सिटीजन को 7.90 मिल जा रहा है, ठीक है। यानी कि 0.50% का यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा, अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है देन आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो ये स्कीम में, क्योंकि अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है बाय बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आप लोग को एफडी कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट प्लस मैच्योरिटी कैलकुलेशन 2023। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अमाउंट 399 डेज के लिए एप्लीकेबल, नॉर्मल सिटीजन को 7.40 और सीनियर सिटीजन को 7.90, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने जो लिया हुआ है अमाउंट वो 16 लाख से लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग अपने अमाउंट के ऊपर जानना चाहते हो देन डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को पिन कर सकते हो अपना अमाउंट, मैं उसके ऊपर कैलकुलेशन करके आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। और ये जो है ये मैंने क्यूमुलेटिव बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है, मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप लोग को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 16 लाख नॉर्मल सिटीजन को जो मिलने वाला है आफ्टर 399 डेज जो है 70,33,326 रुपीज, सीनियर सिटीजन को 70,42,633 रुपीज। और अगर आप लोग 17 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉर्मल सिटीजन को 18,41,658 रुपीज और सीनियर सिटीजन को 18,51,548 रुपीज। और अगर आप लोग 18 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉर्मल सिटीजन को 19,49,991 रुपीज मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन को 19,60,463। अगर आप लोग 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 21,66,657 रुपीज मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन केस में 21,78,292 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 32,49,986 रुपीज मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन केस में 32,67,438 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 40 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 43,33,315 रुपीज मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन केस में 43,56,584 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 54,16,643 रुपीज मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन केस में 54,45,730 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 70 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 75,83,301 रुपीज और सीनियर सिटीजन केस में 76,24,023 रुपीज मिल जाएगा। तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा का तिरंगा डिपॉजिट स्कीम नॉन कॉलेबल के बारे में, ठीक है। और ध्यान रखने वाला बात है इमरजेंसी के वक्त ये इस स्कीम से आप लोग पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 15.01 लाख होना चाहिए, उससे कम आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो ये स्कीम में, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।